नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पी के सबसे क्लासेस। पी के सबसे क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यू वैकेंसी के बारे में। तो गुड न्यूज आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं जो कैंडिडेट आर ओ की एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनका जो है आ चुका है समय। समीक्षा अधिकारी 2019 का जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है। और टोटल पोस्ट की बात करें तो वैसे भी दोस्तों आर ओ यानी समीक्षा अधिकारी की जो टोटल पोस्ट है वो बहुत कम है, यानी टोटल 132 पोस्ट है। फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दी जाएगी। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार से आपको अपडेट मिलता रहेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फुल नोटिफिकेशन कहाँ पे आया है। और दोस्तों साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि समीक्षा अधिकारी के साथ साथ कौन सी एक और वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ओपन करें दोस्तों, यह जो है आज के हिंदुस्तान पेपर में आया हुआ है, आज के न्यू दिल्ली के पेपर में, हिंदुस्तान के पेपर में आया हुआ है। हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियर एट इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आएगी या आने वाली इसका डिटेल आया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी वैकेंसी आ रही है। तो यहाँ देख सकते हैं रिव्यू ऑफिसर की 132 पोस्ट है, लेवल 8, 47,600 से 151,100। और यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेंट की जो है 15 वैकेंसी आ रही है लेवल 4 की। और एज की बात कर लेते हैं इसमें दोस्तों, तो आर ओ में जो है 21 साल टू 35 ईयर्स, यानी जो आपका जो है एज काउंट होगा वह 1/7/2019 काउंट होगा, 21 साल से 35 साल के बीच में होना चाहिए। इसी प्रकार से जो है कंप्यूटर असिस्टेंट में भी 21 साल से 35 साल के बीच में 1/7/2019 तक जो है काउंट होगा। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन प्लस रिक्वायर्ड कंप्यूटर क्वालिफिकेशन होना चाहिए रिव्यू ऑफिसर में। और ऐसे ही कंप्यूटर असिस्टेंट में भी ग्रेजुएशन प्लस रिक्वायर्ड कंप्यूटर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। लाइव डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 30/9 से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट दोनों का। यह चलेगा 21/10/2019 तक। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि रिक्वायर कंप्यूटर में क्या मांगा जाएगा, तो यहाँ पर जो है ओ लेवल भी मान्य होगा। और साथ साथ यदि आपने ट्रिपल सी किया है वो भी मान्य होता है, जैसा कि पिछले वैकेंसी में दिया गया था। जो यदि आप ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी हैं या ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल हैं तो भी वह मान्य है या ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट। और आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन के बारे में बात किया है, तो एज पर रूल है, जैसा कि आपको यूपी में रूल जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है, उसी प्रकार से आपको रिजर्वेशन प्लस एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं 30/9 से आप स्टार्ट, यानी कि कल से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों, तो फीस की बात की गई है, तो फीस में यहाँ पे या आप जनरल कैटेगरी के हैं या आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट को 750 रुपये फीस लगेगी। इसके बाद यदि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि एससी और एसटी की बात कर लेते हैं, तो एससी और एसटी का जो है 500 रुपये फीस लगेगी। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं आपकी फीस जो है जनरल और ओबीसी का 750 रुपये है और 500 रुपये जो है एससी या एसटी का होगा। और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं एग्जाम के बारे में लिखा हुआ कि द हाई कोर्ट इलाहाबाद विल होल्ड रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप एंड कंप्यूटर टेस्ट नॉलेज टेस्ट। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट सेल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट थ्रू ई कार्ड। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है जो भी डेट अनाउंस होगा वो अभी आपको जो है इसके वेबसाइट पे मिल जाएगा। फिलहाल में जो है 30/9 से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है देख सकते हैं दिया हुआ है इसका वेबसाइट इलाहाबाद हाई कोर्ट .in पे आप लॉगिन करके यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है इन्होंने रिक्रूटमेंट करा रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं उसकी बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है कि आर ओ के वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे थे तो बहुत अच्छा न्यूज़ है, बट वैकेंसी थोड़ी कम है। क्वालिफिकेशन जो है इसमें ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी या ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल दोनों मान्य होगा, या यदि आप इक्विवेलेंट है कंप्यूटर ट्रिपल सी में वो भी उसमें मान्य होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब, इसी प्रकार से आपको अपडेट मिलता रहेगा। कोई और कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका जो है निवारण तुरंत किया जाएगा। धन्यवाद।